नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और उन लोगों के लिए है जो कि इंडोर गार्डन बनाना चाहते हैं या जिनको शेड लविंग प्लांट्स पसंद है और एक बड़ा सुंदर सा ग्रीन एरिया कॉर्नर वो तैयार करना चाहते हैं घर में। तो आज की जो सारी की सारी बातें हैं वो शेड लविंग प्लांट्स पे ही रहेंगी, या इंडोर प्लांट्स कह लो, शेड लविंग कह लो, जो मर्जी कह लो, जो आपका मन करे, तो या लो लाइट प्लांट कह लो, ठीक है ना। तो आज जो मैं आपको प्लांट लगा के दिखाऊंगी वो शेड लविंग प्लांट्स ही हैं। और बिल्कुल दोस्तों, पहले भी मैंने पाम की वैरायटीज आपको लगा के दिखाई थी, बिल्कुल वही तरीका रहेगा। और कोई भी इंडोर की वैरायटी अगर आप लगा रहे हो किसी भी तरीके की या शेड वाली, तो यही तरीका आपने किसी भी प्लांट के लिए अपनाना है जो मैं अभी आपको लगा के प्लांट्स दिखाऊंगी। तो पाम के तो हमने शेयर कर ही लिए थे, बहुत अच्छे से चल रहे हैं पाम के मेरे भी प्लांट। तो इस तरीके से दोस्तों, आप इंडोर में क्रोटन्स हो गए, आपके पाम्स हो गए, है ना, एग्लोनीमास की वैरायटी होगी और कौन से हो गए भाई, बहुत सारे प्लांट है, अब एकदम से ध्यान नहीं आ रहे, मतलब इंडोर वाले जो भी आपके पास प्लांट है इस तरीके से आप लगाना जैसे मैं अभी आपको लगा के बताती हूँ। और जो मेरे पास प्लांट आए हुए थे वो भी इंडोर ही प्लांट है, शेड लविंग प्लांट्स कह लो। तो ये है वो गमले, मैं भी अब लगाने जा रही हूँ क्योंकि बरसात एकदम आने वाली है, जल्दी जल्दी से मैं भी काम खत्म कर लेती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अगर बरसात का पानी इन प्लांट्स में पड़ गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये है भाई वो गमले, और ये मट्टी भी मैं नर्सरी से ही लेके आई थी, मेरे पास मट्टी भी अब खत्म हो गई थी, खत्म तो नहीं हुई थी खैर, लेकिन जहां से मैं मट्टी निकालती हूँ ना वहां पे बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे, फिर मुझे नहीं लगा उन्हें डिस्टर्ब करना, तो फिर मैं वहीं से नर्सरी से ही मट्टी ले आई थी। और रिवर सैंड जो मैंने कैक्टस दोबारा से ग्रो किए थे उनके रिवर सैंड सारी मैंने एक बकेट में इकट्ठी कर ली थी, ये सारी रिवर सैंड और मार्बल्स हैं, तो इनको भी यूज़ कर लेंगे हम मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। वैसे वो भैया कह रहे थे कि जो ये मट्टी आप ले जा रहे हो ना ये ऑलरेडी पोरस ही है, इनमें ही हम प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं, रिस्क नहीं लेते, थोड़ा सा अपना रिवर सैंड भी मिला देंगे प्लांट लगाते वक्त। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी कि जब आप मिट्टी के गमले में प्लांट लगाते हो तो उसके चलने की जो गारंटी होती है, उसका जो फैलाव होता है, उसका जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय के प्लास्टिक के और सीमेंट के गमले से। तो कोशिश किया करो अगर आपको अच्छी क्वालिटी के क्ले के पॉट्स मिल जाते हैं, नहीं तो फिर और ऑप्शन तो है ही हमारे पास आजकल, सेरेमिक के आए हुए हैं, प्लास्टिक के हैं या सीमेंट के हैं, है ना। तो ज़्यादातर कोशिश किया करो अगर आपको क्ले वाले मिल जाते हैं, और परमानेंट प्लांट जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमेशा यही सोचा करो कि मैं मिट्टी के पॉट में ही लगाऊं, और जो हमारे इंडोर एवरग्रीन प्लांट्स हैं वो भी, फिर आप इनको जहां मर्जी रख दो, जैसे मर्जी इनको डेकोरेट करो, वो आपके अपने ऊपर है। तो डाल देती हूँ मैं मिट्टी। और दोस्तों ये वीडियो में जो आप देख रहे हो वो तो खैर देख ही रहे हो, मैंने ड्रेनेज होल कैसे बंद किया है, मिट्टी में फिल कर रही हूँ, वो तो आप देखने से ही पता लगा लोगे क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों इंडोर प्लांट्स के ऊपर कि इंडोर प्लांट्स आखिर होते क्या हैं, ये शेड लविंग प्लांट्स होते हैं जो लो लाइट प्लांट्स होते हैं। तो ज़्यादातर इनकी जो वैरायटी होती है ना ये रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट होते हैं जिनको कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद होती है, और बिल्कुल जहाँ नीचे की तरफ ये जंगलों में उगे रहते हैं, ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो धूप आती भी है नहीं भी आती है लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा वहाँ पर बनी रहती है, और आती भी है तो बड़ी लो लाइट सी आती है पौधों में से, पेड़ों में से छन के, जो कि कई बार नीचे पहुंचती है नहीं भी पहुंचती है। तो ये वही वाले पौधे होते हैं जिनको कि हम डेकोरेशन के तौर पे अपने घरों में लगाते हैं। आम तौर पे ये जंगलों के ही प्लांट होते हैं, और जंगल भी कैसे, जो कि जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती हो, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो, तो यही तरीका देख के आपने अपने पौधों को भी रखना है। क्योंकि दोस्तों हम इनको आर्टिफिशियली उगा रहे हैं, वहाँ ये नेचुरल तरीके से उगते हैं, तो हमें इनको वही माहौल देना होगा घर पे भी, जो कि ज्यादातर वही माहौल देना होगा, मतलब जो कि वहां पे इनको मिलता है। तो इनकी ह्यूमिडिटी का आपको ध्यान रखना है, एकदम से ब्राइट सनलाइट में नहीं रखने हैं क्योंकि ब्राइट सनलाइट इन पे कभी पड़ती नहीं है, नीचे नीचे उगते हैं ये। और तीसरा दोस्तों कि आपने इनके मॉइस्चर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हल्का सा मॉइस्चर इनमें हमेशा बना रहे, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे, छनी छनी सी धूप इनको मिलती रहे, धूप क्या मतलब लाइट, सॉरी डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है,
आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या आउटडोर आपका शेड एरिया हो, मतलब जहाँ पे दिन की रोशनी तो होती है लेकिन एकदम से सूरज की रोशनी डायरेक्टली प्लांट्स पे ना पड़ती हो, और इंडोर विंडोज के पास जहाँ पे भी छनी हुई धूप आती हो। तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस हैं जहाँ पे आप इनको रख सकते हो। वो अब आप देखो आपने घर में कहाँ पे रखना है। मैं ज़्यादातर आउटडोर शेडी एरिया में रखती हूँ ऐसे प्लांट्स, और खूब अच्छे चलते हैं, दिखाऊंगी भी मैं आपको। तो ये कुछ कोकोपीट वाला मिक्सचर और कोको हस्क है और परलाइट वरलाइट शायद मिली हुई है इसमें, तो ये तो इसके साथ मिली हुई है मट्टी, हम इसमें अपनी अच्छी मिला रहे हैं, खेतों वाली मट्टी है ये, मैं बता रही हूँ ना नर्सरी से लेके आई थी। और थोड़ी सी इसमें रिवर सैंड भी मिला देंगे इसके मिक्सचर को पोरस बनाने के लिए। दोस्तों रिवर सैंड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि रूट्स को ना फैलने के लिए थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि ये रूट्स देखो कितनी नाजुक होती हैं, अगर आप बहुत हार्ड मट्टी इसमें मिला दोगे तो रूट्स ना फैल नहीं पाती फिर। अगर जितनी आपकी रूट नीचे की तरफ फैलाव करेंगे उतना ही प्लांट आपका ऊपर की तरफ अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आएगा, नीचे तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे का आपने मिक्सचर ऐसा बनाना है कि आपकी रूट्स को फैलने के लिए और प्रॉपर रूट्स को बढ़ने के लिए एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिले। और दूसरा, जब हम मिट्टी के गमलों में लगा रहे हैं दोस्तों, तो एक बहुत बढ़िया एरिएशन रूट्स के बीच में और बाहर के वातावरण के बीच में हो जाता है, जिससे कि प्लांट्स के बीच में ह्यूमिडिटी तो बनी रहेगी, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें देखो आपको बहुत देर तक गिली रहती हैं, है ना, मटके में हम पानी भर के रखते हैं ठंडा रहता है वो, तो इससे क्या होगा एक ठंडक वाला माहौल भी मिलेगा प्लांट को, दूसरा ह्यूमिडिटी भी बरकरार रहेगी क्योंकि मिट्टी की चीज इतनी जल्दी सूखती नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर भी बना रहेगा, और बाहर का और अंदर का जो एरिएशन का है रूट्स का लेन देन वो भी इसमें बढ़िया तरीके से बना रहेगा। तो ये देखो मैं कैसे प्लांट लगा रही हूँ, बिल्कुल आपने सीधा रख के प्लांट को लगाना है, हाथ से रख के, जब आपका गमला आधा भर जाए तब आपने प्लांट को रखना है, आधे से चाहे कम भी हो तब आपने प्लांट्स को रखना है, ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो पूरी की पूरी कवर हो जाएं, और नए नए प्लांट्स फिर इसमें से ग्रो, फिर उनको हम अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे शेड लविंग प्लांट्स होते हैं ना उनमें से पब्स निकलते हैं नीचे से ज़्यादातर, तो उनको फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे ग्रो होंगे ज़्यादातर, जब आप बहुत अच्छे तरीके से मिट्टी में प्लांट्स को दबा दोगे, फिर नीचे से रूट्स में से छोटे छोटे पब्स निकलेंगे, उनकी रूट्स होंगी, फिर आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो। तो पहले तो आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी जब आप प्लांट लेके आते हो, पहले तो उसको ग्रो होने दो, फिर जब इसमें से पब्स निकलेंगे फिर हम उनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, इससे एक प्लांट से हम कई प्लांट बना लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम एक एक को ही रहने देते हैं। तो बस इसको अच्छे से आपने लेवल बना के कवर करना है, थोड़ा सा एरिया ऊपर से छोड़ना भी है ताकि पानी भी आप दे सको और एक अच्छा सा ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट एक चक्कर सा बन जाए प्लांट्स के चारों तरफ। ऊपर तक भर दोगे फिर आप, है ना, फिर ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं प्लांट, और दूसरा ये समझ लो ऊपर तक भरने के बाद पानी देने में भी दिक्कत होती है, और ऊपर तक वैसे भी प्लांट को भरना नहीं चाहिए, पानी से नहीं मिट्टी से। तो ऐसे दबा दबा के आपने प्लांट लगाना है ताकि जो एयर पॉकेट्स जब आप मिट्टी डाल रहे हो बन जाती हैं, तो वो एयर जो है वो निकल जाए ताकि हमारे प्लांट खराब ना हो। तो यही तरीका है दोस्तों सभी इंडोर प्लांट्स लगाने का, मैं तो खैर आपको लगा के दिखाई रही हूँ एक। तो जब भी आप इंडोर की कोई भी वैरायटी लगाते हो, चाहे ये कलाथिया है या ये एग्लोनीमा की वैरायटी है, तो इसको भी मैं अब इस गमले में लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको इसमें लगाने के बाद। तरीका यही रहेगा जो अभी मैंने आपको लगा के दिखाया है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, अब आपको डिटेल में समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने एक बार भी दोस्तों कोई भी सीन एडिट नहीं किया है, कोई भी स्किप नहीं किया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको लगा के दिखाया है, और यही तरीके से आपको अपने इंडोर प्लांट्स या शेड लविंग प्लांट्स लगाने हैं। तो भाई आपने देना है पानी, लगाने के बाद अच्छे से इनको शावरिंग कर देनी है, पत्ते साफ कर देने हैं। मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैंने जैसे बताया बारिश आने वाली है, बारिश का पानी इन पे पड़ने वाला है, आप देख ही रहे हो मौसम कैसा हो रहा है, अंधेरा सा लग रहा होगा आपको भी, बिल्कुल बरसात आने वाली है, बरसात से पहले मेरा ये काम हो गया और इनमें पानी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आपने ऐसे बढ़िया से पानी देना ताकि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलना शुरू हो जाए, अच्छे से नहला देना इनको, और फिर आपने रखना है इसको अपने एरिया में जहां आपने इसको रखना है।
तो मैं रखूंगी इसको आउटडोर शेडी एरिया में। फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ खुले में, क्योंकि बरसात आने वाली है और बरसात का पानी इनको मिल जाएगा। फिर जैसे ये नहा धो लेंगे अच्छे से, फिर मैं इनको उठा के जहाँ मैंने प्रॉपर जगह पे रखना होगा मैं वहाँ रख दूंगी। और इसी तरीके से दोस्तों मैं इंडोर प्लांट्स लगाती हूँ अपने। थोड़ी सी बंधी हुई मिट्टी लेती हूँ, थोड़ी सी पोरस बना लेती हूँ रिवर सैंड मिला के, और ये देखो इस तरीके से ना मैं ऐसी जगह पे प्लांट्स को रख दूंगी। जैसे डमकेन रखा हुआ है, ये भी आउटडोर शेड लविंग प्लांट है, तो इस तरीके से आपने साइड में उठा के रख देना। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, लेकिन दिन की ब्राइट सनलाइट आती है। अब आप पूछोगे ब्राइट सनलाइट क्यों चाहिए, क्योंकि पौधों में दोस्तों जो भी आप इंडोर प्लांट्स लगाते हो पत्तियों में ना एक रंग सा होता है, जैसे आपने क्लाथिया में देखा, एग्लोनीमा में देखा, वो रंग सूरज की रोशनी से आएगा। तो बस दोस्तों थैंक यू वेरी मच।